आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बात करती है भाजपा की, जहां पर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी गई है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे गिरिराज बिष्ट को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां कालाडूंगी विधानसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज गजराज बिष्ट ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के खिलाफ निर्दलीय नामांकन भर दिया था। वहीं अब उन्हें मनाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके घर पहुंचे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जनहित में कालाडूंगी की जनता आपको चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर बंशीधर भगत जी को अगर पार्टी ने टिकट दिया है तो आप एक बार हमारे अनुरोध पर और अपना नामांकन वापस ले लीजिए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मेरा सम्मान किया और पार्टी के हित में उन्होंने। श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं प्रत्याशी एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं, जहां पर बीजेपी से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर चुनावी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था। इसके अलावा कांग्रेस ने बीते 5 सालों में ना तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई और ना ही कहीं वो दिखाई दिए हैं। वहीं अब बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि पहले भाजपा में पन्ना प्रमुख बनाए जाते थे। आज सभी हमारे देवतुल्य जितने भी हमारे मतदाता हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, सब लोगों के आशीर्वाद से और सब लोगों की आज्ञा के अनुसार हम लोग यहाँ पर जो कलियर विधानसभा के अंदर एक मुख्य कार्यालय का आरंभ कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो हम सब लोग बैठ के, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल पर रह के काम करता है, निस्वार्थ कार्यकर्ता है, तो हम जितनी भी हमारी योजनाएँ, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएँ भी, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएँ हैं, वो प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक घर घर तक पहुंचाने का काम करता है और सब लोगों को इस बारे में मालूम भी है। और हमारा जो मैनिफेस्टो बना है उसको पूरे को लेके हम लोग जो है क्षेत्र के अंदर पहले से भी घूम रहे हैं और अब आगे भी सब लोगों से। लालकुआ में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है, इसीलिए उन्होंने लालकुआ कहकर लालकुआ का अपमान किया है, क्योंकि लालकुआ तो लोगों को जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है। हरीश रावत ने कहा कि लालकुआ की जनता विकास के साथ है और आने वाले 5 साल में लालकुआ की सूरत बदल जाएगी। यदि भाजपा मेरे लड़ने से बौखलाए नहीं तो फिर मजा ही क्या है। और उस बौखलाहट में जिस तरीके से उन्होंने लालकुआ का अपमान किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और लालकुआ जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है और मैं लालकुआ को प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल किए जाएंगे, और इनमें से आधे से ज़्यादा काम ऐसे हैं जिनको हमने स्वीकृत किया है, काम शुरू करवाया है, जो आगे नहीं बढ़े उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी के आवास विकास स्थित एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वहां पर पहुंचे हुए थे, जहां पर कार्यक्रम से पहले मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरा है और कहा कि कार्यकर्ताओं को अपने जोश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देनी है। उन्होंने दावा किया है कि ऋषिकेश विधानसभा सीट भाजपा चौथी बार जीतने जा रही है, इस जीत में भारी मतों का अंतर भी देखने को मिलेगा। अभी तो ये एक सिर्फ हमने एक शुरुआत की है, आने वाले 14 तारीख तो बहुत से लोग बीच बीच में ज्वाइन किए भी हैं और कर भी रहे हैं, करेंगे भी, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो हमारा पूरा विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रभक्त लोगों की पार्टी है, जो देवतुल्य लोगों की पार्टी है, जो काम करने और विकास करने वाली पार्टी है, उससे लोग जुड़ना चाहते हैं। और आज जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने पार्टी में ज्वाइन किया है, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूं और प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का स्वीकार किया। और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि प्रदेश की सबसे बड़े मतांतर से जीतने वाली सीट भारतीय जनता पार्टी की ऋषिकेश होने वाली है, ये मेरा सौभाग्य है। उन्होंने ऋषिकेश विधानसभा में सदस्यता ली है, बहुत अच्छा वातावरण है,
और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में जो 2017 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, 2017 से ज़्यादा विजय प्राप्त करेंगे, ऋषिकेश में भी हम 17 से बड़ी विजय प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ का वातावरण देखकर मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं की मेहनत है, और इस अवसर पर मैंने आए हुए सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया। अच्छा वातावरण है, सब जगह मुझे जाने का सौभाग्य है, बहुत अच्छा वातावरण है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता का विश्वास है मोदी जी। वही लक्सर में भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता ने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग और आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ाई गई, जबकि कार्यक्रम में मौजूद प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने मास्क तक नहीं पहना था। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कोरोना और आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने वाले विधायक और उनके समर्थकों पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर प्रदेश की चर्चित विधानसभाओं में से एक श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसके अलावा कांग्रेस ने बीते 5 सालों में ना तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई और ना ही वो कहीं पर भी दिखाई दी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने डॉक्टर धन सिंह रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वह बयानबाजी कर रही है। मुझे लगता है कि उनको हार का डर सता रहा है, और मैंने तो ये सुना कि भाजपा में पहले पन्ना प्रमुख बना करते थे और इस बार के चुनाव में वो पौवा प्रमुख बना रहे हैं, मैंने तो ये सुना। तो धन सिंह रावत जी, शायद उनको सपने में भी रात को अपनी तस्वीर और अपने कर्म नज़र आते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने तो ये सुना कि 2 महीने पहले से उन्होंने सब तैयारियाँ कर रखी हैं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उनको इस बात के लिए प्रमाण देने होंगे और धन सिंह रावत जी की हार सुनिश्चित है। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं, और जुमलों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि अब कांग्रेस जो है दारू पिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी वहीं रुड़की की मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी को समर्थन दिया है। उत्तराखंड में चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है, जिसके चलते पार्टियों से नाराज कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे रहे हैं। और इसी के चलते मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मरगूब कुरैशी ने कांग्रेस को इस्तीफा देने के बाद अपने साथियों के साथ बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी को उनके कैंप कार्यालय पहुंचकर अपना समर्थन दिया। तो भाई इस बार जो सरबत करीम जी का और करीब करीब इन पर 70% वोट पड़ जाएंगे। पूर्व विधायक कांग्रेस के रहे हैं, हम नहीं रहा यहाँ, हम भी उन्हीं के साथ थे। इस बार पहली बार हम कांग्रेस पार्टी छोड़कर, बचपन से आज तक, इंदिरा गांधी के टाइम से आज तक पहली बार जो सरबत करीम जी के साथ आए हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का यहाँ कोई काम नहीं। शर्मा जी हैं काफी। वहीं कलियर में विधानसभा पिरान कलियर के गांव गुमला माजुरी में भाजपा प्रत्याशी मुनीश कुमार सैनी ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि आने वाली 14 फरवरी को कमल खिलाने का काम किया जाएगा, और कुछ ग्रामीणों ने भाजपा की भी ज्वाइनिंग की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस बार विधानसभा पिरान कलियर में विधानसभा भाजपा कमल खिलने जा रहा है। तरीके की रणनीति रहेगी। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, और अपने कलियर विधानसभा के प्रत्येक मतदाता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जिसे बहुत छोटे, बहुत ही सामान्य एक कार्यकर्ता को जो उन्होंने इतना विश्वास जताया, और उस विश्वास को हम लोग जितने भी कलियर के मतदाता और मैं, हम सब लोग उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। रही बात बहुत कम समय है, हमारी पार्टी जो हो बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बिल्कुल उनके जितने भी रूल रेगुलेशन है, जितने भी नियम है, कायदे कानून है, वो सब लोग, हमारी पूरी पॉलिसी बनी हुई है और उस पॉलिसी के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बढ़िया खिलाड़ी हैं? नहीं, मैं समाज सेवक हूँ और समाज सेवा पहले से करता हुआ हूँ और समाज सेवा करता हूँ, और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और बाकी जो बहुत सारे पदों पे मुझे भारत सरकार में रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और राजनीति भी तो एक समाज सेवा, हम लोग भी समाज सेवा करते हैं। राजनीति किसी भी व्यक्ति। सुल्तानपुर पट्टी पर खनन कारोबार के बंद होने से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, इसके साथ ही हजारों घरों के चूल्हे भी अब ठंडे हो गए हैं, और इसी की वजह से दुकानदारों पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर खनन से जुड़े वाहन ट्रांसपोर्टर्स ने बाजार घाट पर जमकर हंगामा किया।
से ये आचार संहिता लागू हुई है, काम पूरी तरह से बंद है। जो रॉयल्टी वाले हैं वो अलग से परेशान है कि उनकी रॉयल्टी नहीं कट पा रही है, उनका टाइम नज़दीक आ चुका है, उनका टाइम ख़त्म होने वाला है। और जो हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ी वाले हैं, वाहन मालिक हैं, लेबर वाले हैं, सभी लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और काम न चलने की स्थिति में हम लोगों ने किस्तों पर गाड़ियाँ ले रखी हैं और अन्य वाहन भी ले रखे हैं। जब आदमी कारोबार करता है तो वो सब लोग ना उनकी किस्तें जा पा रही हैं और ना ही काम चल पा रहा है। हर तरह का आदमी परेशान है, यानी कि उसका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब क्या चाहते हैं प्रशासन? हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें जो है ये जो है हमारा काम है, खनन का काम है, रॉयल्टी से और जो मानकों के साथ हमें चलने की इसकी अनुमति दी जाए, जिससे हम लोगों का कारोबार और व्यवसाय ठीक ठाक चलता रहे। हमारे काम में दिक्कत ये आ रही है, जब से दीपक कौशिक जी आए काम नंबर एक में चल रहा है हमारे यहाँ पे, और पता नहीं कहाँ से दिक्कत ऐसी आई कि हमारे ड्राइवर भी परेशान हैं, हम मालिक भी परेशान हैं। हमारी गाड़ियों की नए गाड़ी लेकर आए, हमारी गाड़ियों की किस्तें टूटी पड़ी हैं। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा काम नंबर एक में हमारा काम चले, और जो हमारे ड्राइवर हैं, हमारे साथ मजदूर आदमी, हमारे साथ और भी परिवार लोग हैं, मजदूर सारे लोग हम परेशान हैं। हम तो बस यही चाहते हैं इंचार्ज साहब से कि हमारा नंबर एक में काम चलवाएं। का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जब से ये आचार संहिता लगी है चुनाव आयोग ने कार्य बंद करा दिया गया। अब इसमें क्या है, हम जो राजस्व जमा करना है उसे जमा करने में भी दिक्कत आ रही है, बड़ी परेशानी आ रही है। हमारे पास काफ़ी रवल्टियाँ बची हैं, अब ये जब तक आचार संहिता रहेगी जब तक काम नहीं चल पाएगा, तो हमारे ऊपर राजस्व जमा करने का बहुत बड़ा बोझ है, हम कैसे जमा कर पाएंगे। और हमारे उससे रोजगार से जुड़े हैं वाहन स्वामी जुड़े हैं और लेबर जुड़ी है, रोजगार बहुत लोगों का जुड़ा है, वो सब ठप हो गया। जब तक चुनाव है, चुनाव रहेगा जब तक काम नहीं चल पाएगा तब तक क्या करेंगे। सब लोग परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, काम चलना चाहिए। से ये आचार संहिता लागू हुई है, काम पूरी तरह से। हरिद्वार में विधानसभा चुनाव को लेकर बुग्गावाला पुलिस ने थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च में स्थानीय पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के जवानों को भी शामिल किया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने क्षेत्र की जनता को आदर्श आचार संहिता और कोविड 19 का पालन कराने की हिदायत दी। वहीं क्षेत्र की जनता ने पुलिस फोर्स के जवानों को गाँव की सड़कों पर देखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। फ्लैग मार्च थाना अध्यक्ष प्रशांत बहुगुड़ा के नेतृत्व में निकाला गया। वहीं लक्सर में कैविडिश टायर फैक्ट्री में हादसा देखने को मिला है। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कर्मचारियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और हादसे के शिकार युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर भेज दिया है। सोशल मीडिया पर आग का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अगली खबर विकास नगर से है, जहां पर विकास नगर पुलिस के क्षेत्राधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बाड़वाला डुमेट राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की चेकिंग के दौरान फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी मिलने पर पुलिस ने गाड़ी चालक से सख्ती से पूछताछ की। इस दौरान युवक ने बताया कि इसी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट उसने कुछ दिनों पहले दिल्ली में लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये जैसे कि आपको जानकारी में है कि आजकल विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसी क्रम में जगह जगह पे अंतर्राज्य बैरियर के अलावा अन्य स्थानों पे जो है लगातार चेकिंग चल रही है। इसी चेकिंग के क्रम में कल डुमेट के पास, यमुनोत्री जो हमारा हाईवे है डुमेट के पास में चेकिंग चल रही थी, और इसी चेकिंग के दौरान एक कार पकड़ी गई है। ये निसान टेरनो लग्जरी गाड़ी है, इस पकड़ी गई है। इसमें सवार चालक से जब पूछताछ की गई और गाड़ी की जो तलाशी ली गई, तो उसमें तीन चार अलग अलग नंबरों की जो है प्लेट मिली हैं। तो ये शक होने पर कि एक ही गाड़ी में अलग अलग नंबरों की प्लेट होने पर इसको लाया गया, इसे पूछताछ की गई, तो पूछताछ में ये जानकारी हुई है कि ये कार राकेश मारवा, नई दिल्ली रोहिणी के रहने वाले हैं, उनके नाम से रजिस्टर्ड है और ये कार उन्हीं की है, जिसके संबंध में मार्च 2021 में इनके द्वारा दिल्ली में FIR चोरी की दर्ज। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।